हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, इडली और वड़ा, चटनी, और दिस वन सांभर, सांभर विद ड्रमस्टिक्स, सांभर विद ड्रमस्टिक्स। ओके, नीलगिरी चाय, दिस इज नीलगिरी चाय, नॉट दिस इज, दैट इज नीलगिरी चाय, दिस इज नीलगिरी टी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद केसी में। दोस्तों देखिए, सुबह सुबह काफी अच्छी धूप निकली है और अभी हम इस समय हैं कोटागिरी में। कल हम लोग ऊटी में थे जैसा आपने देखा, तो आज हम लोग कोटागिरी में हैं। और कोटागिरी नीलगिरी जो हिल्स है वहां पे पाया जाता है। नीलगिरी एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसके अंडर में ऊटी कोटागिरी आता है। सो ये बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। ये यहाँ पे मैं करीबन 4 साल पहले आया था, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड विजिट है कोटागिरी, ऊटी और विभिन्न इन जगहों पे। तो ये देखिए, अनाया को देखिए कैसा मुंह कर रखा है। क्या होगा बाबा, नाश्ता नहीं किया? ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। अभी तो धूप आ गई, लेकिन कल जब हम आ रहे थे ऊटी से काफी रात हो गई थी, काफी ठंडा लग रहा था। तो आज हम यहाँ से चलेंगे, ऊटी घूमे, आप लोगों ने जैसा देखा कोटागिरी घूमे, रात को आए थे। अब थोड़ी देर के बाद करीबन 11 बजे करीबन हमें फिर से निकलना है, जहाँ पे हम लोग रुके थे मेट्टुपालयम करके एक जगह है, वहाँ पे निकलना है। मेट्टुपालयम से फिर कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन जाना है, क्योंकि रात 8 बजे हमारी ट्रेन है। और मजे की बात यह है कि हमारी ट्रेन कल ही हमने बुक किया तत्काल से, तो वेटिंग में है 18-19। सो हमको देखना है कि वो कंफर्म होता है कि नहीं, तो देखते हैं, लेट्स सी। 8 बजे रात को ट्रेन है। और हम लोग उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं वापस, क्योंकि उत्तराखंड हम बाद में जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र। सो आशा के घर, आशा के मम्मी पापा के पास, नानी के पास, तो वहाँ पे देखेंगे। और ये अनाया का पहला विजिट होगा, साउथ उसका पहला विजिट है, महाराष्ट्र उसका पहला विजिट है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंजॉय वो कर रही है फूड, लोगों को और यहाँ के वेदर को। सो इट्स रियली अ गुड थिंग टू एक्सप्लोर सम ऑफ द प्लेसेस, सम ऑफ द थिंग्स विच वी हैवेंट और शी हैवेंट एक्सपीरियंस बिफोर। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इस तरह से ब्लॉग में अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखें। हम आगे चल के आपको फिर कुछ अच्छे दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक आर्क है, आप देख रहे हैं, पानी का जो जहाज होता है वैसा ही लकड़ी से बनाया गया, और इसके अंदर आप जाकर के प्रेयर कर सकते हैं। ये पूरा आर्क है, ये पानी का जहाज जैसे होता है वैसा है, ये नाव टाइप का, काफी बड़ा है, कम से कम इसके अंदर 70-80 लोग बैठ सकते हैं, और ये प्रेयर के लिए स्पेशली यहाँ पे बनाया गया। तो काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। मैं आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी बंद है, अगर खुला होता तो मैं आपको दिखाता ही। देखिए, इसमें लिखा भी है द आर्क करके, और ये पूरा लकड़ी से बनाया गया। देखिए इसके स्टेयर्स भी, और ये पूरा लकड़ी का है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जाकर के अंदर हम लोग प्रेयर कर सकते हैं। ये अभी बंद है अंदर, ये देखिए अंदर, अंदर से ऐसा है, ये यहाँ पे जाकर के आप प्रेयर कर सकते हो। सो बहुत ही सुंदर ये बनाया गया है, देखिए आर्क। और ये देखिए चारों तरफ से पहाड़, पहाड़ियों के बीच में बसा है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। जब हम 4 साल पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पे खेला करते थे। काफ़ी सुंदर जगह, देखिए आसमान कितना नीला है, कितना साफ मौसम है, और बहुत ठंड है अभी यहाँ पे, 10 से 12 डिग्री का तापमान है। देखिए गुनगुन को देखिए, भाग रही है, देखिए देखिए देखिए, अरे 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 बच्चा बच्चा बच्चा, कहाँ जा रहा है, गिर जाएगी, आओ इधर आओ, मम्मा के पास चलेंगे, मम्मा मम्मा के पास चलेंगे, कम कम बाबू कम, आ गया बेटा, मम्मा के पास चले चले, मम्मा के पास। तू तो मजे कर रही हो यहाँ पे साउथ इंडिया में आकर के हिल स्टेशन में। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों, कोटागिरी और ऊटी की पहाड़ियों में आपको इस तरह के पहाड़ दिखेंगे, जहाँ पे चाय पत्ती के ये बागान हैं, टी गार्डन इनको बोला जाता है। देखिए कितना सुंदर है, ये बहुत ही हरियाली, हरा हरा, और चारों तरफ आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको। सो ये है यहाँ की एक खास बात, यहाँ की कॉफी, यहाँ का चाय, जो कि विदेशों तक जाता है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आर्क है, ये जो पानी के जहाज के रूप में बनाया गया लकड़ी का, आइए हम अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने दरवाजा खोल दिया है इसका और हम अंदर जा रहे हैं। देखिए dove into the deep end, 'cause I thought I could swim. We break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you.
जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग वापसी जा रहे हैं कोटागिरी में एक दिन रहने के बाद और यहाँ की इन सुंदर वादियों को एक्सप्लोर करने के बाद सच में बहुत ज्यादा मजा आया और ऐसा महसूस किया कि हम नैनीताल में ही हैं, उत्तराखंड में ही हैं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता, यहाँ की पहाड़ियाँ सच में हमें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करी और हमको बहुत मजा आया और यहाँ के चाय के बागान सच में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको मौका मिले तो जरूर आप ऊटी और कोटागिरी आए। अगर आप चैनल में नए हैं तो अपना कमेंट छोड़ें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।